banging with the hip, the hop, once again, in effect, feel the double string sliming up the baseline. Never mess around with the funk, because I'm sticking, kicking, always finger licking. I don't need Halloween just to be trick or treating, because I'm always on top. You ain't gonna work in the gym, don't tell you what's up. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शनिस्ट। दिस इज प्रवास, दिस इज विदान। और आज हम फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे किसी पंजाबी कंटेंट के ऊपर गाइस हम रिएक्ट करने वाले हैं। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ कैरी ऑन जट्टा 3। 1 और 2 के ट्रेलर के ऊपर गाइस हमने रिएक्ट नहीं किया, पर वी विल डेफिनेटली डू इट। पहले हम इसके ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट करेंगे, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एब्सोल्युटली, काफी सारी फैनफेयर के थ्रू से इस ट्रेलर को रिलीज किया गया है। यू नो, बिग नेम्स वर इन्वॉल्व्ड इनटू द प्रमोशन। या क्योंकि गाइस इस ट्रेलर को लॉन्च करने के लिए बहुत लोग एक सामने आए, जैसे कि सुपरस्टार आमिर खान, कपिल शर्मा, कॉमेडियन कपिल शर्मा, और भी कई सारे लोग यहाँ पे आए थे, हमने देखा लॉन्च इवेंट पे। सो गाइस, एक्साइटमेंट तो बहुत सारी है, देखना पड़ेगा कि इसमें क्या नया है, हमें देखने को क्या मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स रिएक्ट ऑन द ट्रेलर। रेडी ब्याज, मैंने एक कुड़ी पसंद आ गई, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਰਾਈ ਮਾਰੀ, ਚੌਹਾਂ ਦਰੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਓਏ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਚਾਰਾਂ ਦਰਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਲਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਖਾਨਦਾਨੀ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੇ ਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਵਾਲਾ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹ ਡੈਡੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਚੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁਫਤ ਦਾ ਪਾਣੀ, 10-10 ਵਾਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਟਾਇਲਾਂ ਪੀੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਯਾਰ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗੰਡਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ, ਸਿਰ ਵੱਡਾਂਗੇ ਤੇਰਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਸ, ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਈਏ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸੀ ਨਾ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ECG ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ECG ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ECG ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਾ ਲੱਟਾਂ ਪੰਦਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਂਕਾ ਪੜ ਗਿਆ। ਟਾਂਕੇ ਹੀ ਭੇੜੀ, ਕਦੇ ਸਿੱਧੀ ਸਲਾਈ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਕੁੜੀ ਵੀ ਬੰਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਸਿੱਟਣੀ ਆ। ਕਾਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਵੱਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ? ਆਪੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੋਲਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਕੇ ਹਟਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਹਮ ਬਿਹਾਰ ਚ ਹੈ ਬੱਬੂਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਸਤੀ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅੰਡਰ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸੈੱਟ ਕਰਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਟੂਣਾ ਟੱਪ ਗਈ। So guys, we reacted on the official trailer for Carry On Jatta 3. जिस तरीके से इसको promote किया गया है, वैसे ही ये बहुत बड़ी fanfare है. Yeah. It is creating great news. You know, बहुत जगह पे ये फैली हुई है. वैसे भी Carry On Jatta जो एक film series है, जो जिसके पहले दो prequels जो थे वो काफी ज्यादा hit हुए थे, जिसको you know, जिसकी वजह से गिप्पी ग्रेवाल एक household name हो गए, international fame उनको मिला. You know, इतना ज्यादा ये film successful हुई थी. तो थर्ड जो है इस फिल्म की, जो सीरीज की जो थर्ड फिल्म है ये, इट हैज गार्नर्ड ग्रेट न्यूज ऑलरेडी, और काफी ज्यादा इसकी न्यूज फैली हुई है. रिसेंटली इस फिल्म को प्रमोट किया गया था आमिर खान सर ने, और कपिल शर्मा ने प्रमोट किया था, एज वी सी. सो अगर इस फिल्म के कॉमेडी के बारे में कहें, सो इट इज इंटैक्ट,
द डायलॉग्स अगर इसको हम लोग यू नो इसको सबटाइटल्स भी में भी अगर पढ़ते हैं तो इट इज एक्चुअली फनी. रिसेंट टाइम में हमने बहुत सारे गैंगस्टर मूवीज, एक्शन मूवीज, बहुत सारी मूवीज हमने देखी है, पर यू नो यू नीड टू शिफ्ट द गियर, क्योंकि रिसेंट टाइम में बहुत सारे कॉमेडी मूवीज नहीं आई. एंड मुझे लगता है कि कैरी ऑन जट्टा की वजह से, थ्री के वजह से आपको एक अच्छा सा एक रिलीफ मिलेगा. एंड यू नो हम लोग जब बचपन में जब वो अनीस बाज़मी की मूवीज देखते थे, जैसे कि वेलकम हो गई, right, और भी बहुत सारे जो रेडी, ये उसी तरह का उस एक मतलब फैमिली, एक फैमिली रहती है उसमें, बहुत सारे मैड फैमिली रहती है उसमें, बढ़िया है वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है. That's right. एक मतलब अच्छा है, मतलब देखने में जो मुझे लग रहा है काफी अच्छा है, यू नो एक फैमिली एंटरटेनर है. एंड ओवरऑल जो भी देखा मुझे काफी पसंद आया. और डायलॉग्स के बारे में बात करें, जो सबटाइटल्स में देख रहे थे वो भी काफी फनी है, काफी फनी है और ग्रैंड लग रहा है गाइस, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी ह्यूज, इट इज वेरी ऑब्वियस. क्योंकि इसका अगर हम यू नो इस फिल्म के पंजाबी फिल्म्स की व्यूअरशिप के बारे में अगर बात करें, इट इज नॉट ओनली अबाउट इन नॉर्दर्न इंडिया बट ये अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज में इनका बहुत ज्यादा बोलबाला है, स्पेशली कनाडा में भी, कनाडा और यूके, यूएस और बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया, यू नो न्यूजीलैंड, इनका यू नो जैसे बॉलीवुड फिल्म्स हर जगह फेमस होते हैं, पंजाबी फिल्म्स का भी दबदबा वैसा ही बहुत ही होता है. Right. और गाइस अगर मेन हाईलाइट पॉइंट अगर कहें इस ट्रेलर के बारे में तो था उसका म्यूजिक. म्यूजिक मुझे काफी पसंद आया, फंकी म्यूजिक था, बहुत बढ़िया था. और गिप्पी ग्रेवाल इतने बढ़िया एक्टर भी हैं, वो इतने बढ़िया सिंगर भी हैं, वो इस फिल्म में प्रोड्यूसर भी हैं. और अगर इस फिल्म के कास्ट के बारे में अगर जरा सी बात करें तो बहुत बढ़िया होगा गाइस, बहुत सारे नाम है यहाँ पे. अपार्ट फ्रॉम गिप्पी ग्रेवाल वी कुड सी सोनम बाजवा, बिन्नू ढिल्लो, गुरप्रीत गुग्गी, इट्स अ वेरी फेमस, दीज आर वेरी फेमस नेम्स, जसविंदर भल्ला, करणजीत अनमोल और कविता कौशिक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. तो इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में अगर बात करें, सो अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक, लिरिक्स और कंपोजर सारे कुछ यू नो जानी ने टेक केयर किए हैं. सो जानी इज बेसिकली क्रिएटिंग गुड न्यूज विद द म्यूजिक व्हिच ही हैज क्रिएटेड, और काफी ज्यादा यू नो द सॉन्ग्स आर क्वाइट पेपी और पंजाबी म्यूजिक है गाइज, और हमेशा दे नेवर गो डाउन व्हेन इट कम्स टू द एंटरटेनमेंट क्वेश्चन, हाई लेवल पे रहता है, एकदम एनर्जेटिक रहता है. और डायरेक्टर के बारे में अगर बात करें, सो दिस फिल्म हैज बीन डायरेक्टेड बाय स्मीप कंग, इट हैज बीन अ गुड वर्क, क्योंकि उनके कंधों पे बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यू नो कैरी ऑन जट्टा एक इतनी फेमस सीरीज है और इतना ज्यादा इस फिल्म में नाम कमा चुकी है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बट विदेशों में भी, हमारे देश में भी. तो ये एक फेमस ट्रायलॉजी है और इसके फाइनल पार्ट, शायद ये फाइनल पार्ट भी हो सकता है या फिर कैरी ऑन जट्टा 4 भी आ सकता है, यू नेवर नो. इफ सीक्वल इज गेटिंग बेटर डे बाय डे तो उसका सीक्वल और एक और पार्ट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ये फिल्म रिलीज होने वाली है 29 जून. आई होप एंड आई विश कि ये कोलकाता में भी रिलीज हो और हमें मौका मिले इस फिल्म को देखने का, बिकॉज इट विल बी आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस टू वॉच पंजाबी फिल्म एंड वी विल बी मोर देन ग्लैड टू वॉच इट. And we are very happy guys, we are very glad that humne ek Punjabi content ke upar hamare channel ko react kiya. This is the first time and I really liked it. क्योंकि जैसे कि मैंने बताया गाइस कि आजकल बहुत सारे एक्शन मूवीज, बहुत सारे मतलब स्पाई वर्स ये सब चल रहा है, पर उसके बीच में एक लाइट हार्टेड, एक फैमिली एंटरटेनर कॉमेडी मूवी भी देखने में क्या हर्ज. बिल्कुल बिल्कुल. और यही कुछ ऐसा ही कुछ हुआ था यू नो तू झूठी मैं मक्कार के साथ, क्योंकि बहुत लोगों को ये एंटिसिपेशन था यार इतने एक्शन फिल्म्स आ रहे हैं, इतने सारे यू नो कोलैबोरेटेड फिल्म्स आ रहे हैं जहां पे मल्टीवर्सेस हो रहे हैं कैरेक्टर्स के, व्हाई रणबीर कपूर इज डूइंग अ रॉन्ग कॉम, बट दैट वाज अ फ्रेश इनिशिएटिव और बहुत बढ़िया ऑप्शन था. ये साल जो शुरू हुआ गाइस, मैं कह सकता हूँ कि पठान के बाद तू झूठी मैं मक्कार ने बहुत ही बॉक्स ऑफिस में अच्छी अर्निंग की. राइट. और हमें फोकस करना पड़ेगा उस पॉइंट पे कि तू झूठी मैं मक्कार किस वजह से इतनी ज्यादा फेमस हुई, किस वजह से इतनी ज्यादा हिट हुई, क्योंकि एक फैमिली एंटरटेनर थी. और कभी कभी ये चाहिए, यू नो यू रियली कैन नॉट वॉच एक्शन ऑल द टाइम, थ्रिलर, डार्क फिल्म्स हर बार नहीं होता, क्योंकि सिनेमा इज अबाउट एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरी जॉनर. दैट इज द रीजन तू झूठी मैं मक्कार वर्क्ड एंड आई एम श्योर कैरी ऑन जट्टा 3 विल डू सेम वंडर्स, शायद उससे भी बढ़िया हो. सो गाइस यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ कैरी ऑन जट्टा 3. आपकी क्या राय है कैरी ऑन जट्टा 3 के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, पंजाबी मूवीज के बारे में, गिप्पी ग्रेवाल के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सोशल मीडिया हैंडल्स में जाके फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर. अगर आप चाहते हैं कि हम किसी कॉन्टेंट के ऊपर रिएक्ट करें तो आप वहाँ पे जाके DM कर सकते हैं, या फिर आप इस चैनल के कमेंट सेक्शन में आके भी बता सकते हैं. हमारे चैनल को आप सुपर थैंक्स के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए. एंड टिल देन द रिएक्शन सेज जय हिंद.